नेक्स्ट वीडियो। अभी ये हिल रहा है। हम देखो फिशेस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज घर से निकल चुके हैं, टाइम हो चुका है 5:38। देखिए 5:39 हो गया एंड अभी आप फॉग देख सकते हैं, कुछ भी विजिबल नहीं है। ट्रैवल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि परसों है हमारी एनिवर्सरी, हम दोनों को साथ में हो जाएंगे। कितने साल हो जाएंगे बताना मोहित? 7-8 साल। इनको ये भी नहीं पता कितने साल हो जाएंगे। वेरी नाइस। तो हमें साथ में हो जाएंगे 8 long years। तो पता था। अच्छा पता था, कुछ नहीं बताता था तुम्हें। हाँ बता रहे थे कि जब हम जाएंगे तब आप बता दोगे। बता। हाँ, तो अभी हम निकल चुके हैं लेकिन मोहित ने हमें नहीं बताया कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि ये सरप्राइज है। एंड आगे जाके पता चलेगा। मैप में मोहित ने आधे रास्ते का दिल्ली का ही अभी डाला हुआ है, तो बिल्कुल नहीं आइडिया लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट व्यू देखिए यार, कैसे कुछ दिखेगा, कुछ दिख ही नहीं रहा है। सुबह विजिबिलिटी तो बिल्कुल जीरो है, कुछ दिख ही नहीं। हाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये हमारा छोटा सा घर बन चुका है। रियान इधर है, रियान से हाय टू एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। ये रियान का सेटअप है क्योंकि थोड़ी दूर जाते ही रियान सो जाने वाला है, क्योंकि आज हम जल्दी उठे। ये पक्का सो जाएगा, हर ट्रिप में ये सोता हुआ जाता है। अभी आधे घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे कि रियान सो चुका होगा। रियान अपने टॉयज भी लेके आया। ओके तो गाइस, फाइनली हम मथुरा रोड पहुंच चुके हैं एंड फॉग अभी भी उतना ही है। टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं ऑलरेडी एंड रोड पे अभी भी लोग हैं। सुबह सुबह पता नहीं लोग कहाँ निकलते हैं। अभी जैसे हम निकल रहे हैं घूमने स्कूटी पे, ये तो पक्का ऑफिस जा रहा है। इतने सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं बेचारा, सैड लाइफ। तो गाइस अब हो चुके हैं 7:30 AM लेकिन स्टिल अभी भी हमें फॉग ही मिल रहा है। एंड देखिए आप कितना ज्यादा फॉग है आज। आज हमें ट्रैवल करना है तो आज ही फॉग को होना था, तो हमें करनी पड़ रही है धीरे धीरे ड्राइव, क्योंकि फास्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं विजिबल है। तो रियान बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, उसने तो अपना सेटअप यहाँ पे बना लिया। देखिए रियान अब क्या कर रहे हो? एक फोन बनाने की ट्राई कर रहे टॉय से। अच्छा, रियान का पूरा बेड रेडी है, पिलो एंड ब्लैंकेट एंड सारे टॉयज, पूरा छोटा सा घर बना लिया उसने पीछे है रियान। तो जब बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो यही रहता है, सारी चीजें कैरी करनी पड़ती है। एंड मोहित बहुत ज्यादा आज इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग है और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ड्राइव करने में। राइट, बोर हो रहे हो? बोर नहीं हो रहा, फास्ट टैग का रिचार्ज करना है। अच्छा, फास्ट टैग का रिचार्ज। ओके देखो यार कितना तगड़ा फॉग है, बहुत ज्यादा। ये मौसम तो खुलेगा कम से कम 12 तो बज ही जाएंगे मौसम खुलने में। हाँ इतने तो बज ही जाएंगे, अभी बस धीरे धीरे गाड़ियों के पीछे चलते रहो। हाँ गाड़ियों के पीछे पीछे चल रहे हैं। रियान को भी फ्रेम में आना है। क्या कहना चाहोगे रियान ट्रिप के बारे में? एक्साइटेड हो? एक्साइटमेंट नहीं हो रही आपको? अभी पापा ने रिवील कर तो दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहा? तो हम जा रहे हैं नैनीताल, हमारी शॉर्ट ट्रिप पे। नैनीताल में हम करेंगे बोटिंग और हम जू जाएंगे जहाँ पे हम रियान को छोड़ आएंगे। तो रियान आप पसंद करोगे एनिमल्स के साथ रहना? यस। वहीं पे छोड़ो, कौन से एनिमल के साथ रहोगे? मंकी के साथ रहेगा। टाइगर के साथ रहोगे? टाइगर आपको खा जाएगा। खा जाने दो। नहीं, मैं अपने बेबी को कैसे खाने दे सकती हूँ? खाने दे सकता। मेरे आन को मैं खाऊंगा। तो हम कब तक पहुंच जाएंगे मोहित? कितना टाइम लगेगा?
साढ़े बारह फिर हम जाएंगे होटल, वहाँ जाके हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे एंड रेडी होके देन हम निकलेंगे। गाइस ये देखिए ये ट्रक में क्या है, ये बैलून्स, आपको क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है? टेडी बियर बना हुआ है। टेडी बियर? हाँ लग रहा है, ऐसा दूर से लग रहा था टेडी बियर, एक बड़ा सा। तो गाइस फाइनली धूप आ चुकी है एंड मौसम खुल गया है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, रोड्स कितनी प्यारी है। हेलो गाइस, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ठोक देना और लाइक भी, कमेंट भी, शेयर भी। यूट्यूब देख देख के रियान सीख चुका है कि क्या बोलना है अपने यूट्यूब फैमिली को, राइट रियान? तो गाइज हमने किया ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद हम पहुंच चुके हैं इतनी प्यारी जगह। माउंटेंस जो है वो मैं हमेशा से बीचेस से पहले प्रेफर करती हूँ, माउंटेंस आर रियली द लव। इतना अच्छा व्यू एंड पहाड़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अब होटल, वहाँ हम करेंगे चेक इन एंड हम रेडी होके निकलेंगे। सो स्टे विद अस, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हम हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं नैनीताल लेक। दिस इज माय आउटफिट फॉर द डे। तो गाइज हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं नैनीताल लेक के लिए एंड मोहित भी रेडी है। तो अभी हो रहा है टाइम 3:20, हम पहुंच जाएंगे 4 बजे तक। हम लेट है आज, हम ज्यादा चीजें नहीं देख पाएंगे। एक ही देख पाएंगे क्या आज हम? नहीं, दो चीजें कवर, दो चीजें शायद हम कवर कर ले। एक नैनीताल लेक जाना है और एक टिप एंड टॉप व्यू जाएंगे, तो वहां जाके हम आपको दिखाते हैं कि कैसा वेदर है। तो होटल में रियान को मिलने था फिश एक्वेरियम। रियान को फिशेस का आजकल क्रेज चढ़ा हुआ है, उसने काफी देर वहां पे खेला जब तक मैं रेडी हो गई। तो जब हम होटल पहुंचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर फिशेस थी। और मैं और भी वीडियोस बनाई, उनको तो मैं अपलोड भी करूंगा इंस्टाग्राम पे। ओह माय गॉड, और भी ज्यादा वीडियोस बनाई है रियान ने एक्वेरियम की, वो आपके साथ शेयर करेगा, राइट? यस। तो आप उसे देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरी आईडी है सुष्मिता मोहित सम्मी से, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये कौन सी मार्केट है मोहित? ये लेक के पास वाली मार्केट है। माल रोड है क्या? नो आइडिया, देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेल लग रही है। ये क्या है? ये चैनी हर जगह मजा लो। चैन से मजा लो, ये हर जगह लगे होते हैं। कितने पुराने बैनर्स है ये। पार्किंग अब जाके थोड़ा रश दिख रहा है। मॉर्निंग में तो रोज बिल्कुल ही खाली थी, अब जाके दिख रहा है कि हाँ पब्लिक है। हम पहुंच गए हैं ऑलरेडी, काफी पास में था हमारे होटल से, हमने नियर बाई होटल लिया था। भैया पार्किंग किधर है? ये पीछे छोड़े है पार्किंग। पार्किंग पीछे छोड़ा है? हाँ। तो आगे से ओ, तो हम पार्किंग पीछे छोड़ा है, अब हमें वापस इतना लंबा यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। क्या मोहित तुमने दिखता नहीं है? तो फाइनली हम पहुंचे बोटिंग करने के लिए एंड जैसे ही मैंने बोट में एंटर करा, बोट इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि लग रहा था कि अगर मैंने थोड़ा सा पैर साइड्स में रखा बीच की जगह तो बोट ही साइड में पलट जाएगी। तो फाइनली जैसे तैसे मैंने थोड़ा बैलेंस करा एंड बैलेंस करके थोड़ा चल मैं आगे गई एंड फिर मैं जल्दी से वहाँ जाके बैठ गई। देखिए रानू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा यार, लेकिन मुझे चलाने का मन कर रहा है। आपको चलाने को नहीं मिलेगी, भैया चलाएंगे, आप नहीं चला सकते। बताओ कितनी दूर तक चले? कितनी गहरी है भैया ये? 120 फीट कहीं पे, 150। अच्छा क्या? 120 फीट गहरी है। रान मजा आ रहा है? फिश दिखी? फिश दिखी? फिश?
तो जैसे कि शाम हो चुकी थी एंड वेदर एकदम से चेंज हो गया था एंड बहुत ज़्यादा फॉग हो गया था। आई थिंक हमारे बाद किसी ने वहाँ पे बोटिंग भी नहीं करी, मना कर दी गई थी बहुत ज़्यादा हवा चलने की वजह से एंड धुंध की वजह से। एंड देन यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी फिशेज हैं, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ से लोग ब्रेड एंड ऑल उनका फूड डाल रहे थे एंड सारी फिशेज एक ही जगह पे सारी गैदर हो चुकी थी वहीं पे। एंड रियान फिशेज को देख के बट ऑब्वियस बहुत इंजॉय कर रहा था। फिर हम वहाँ से निकले एंड हमने खाए टिक्की एंड रियान ने ली ये गन एंड हमने देखा कि यहाँ पे स्वैन्स भी आए थे। इसको स्वैन बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर बट शायद स्वैन ही बोलते हैं। वहाँ पे एक झुंड था एंड देखो फॉग, देखो बिल्कुल कवर होता जा रहा है अब धीरे धीरे। और रियान के फ्रेंड्स, ये रियान के छोटे छोटे फ्रेंड्स, वो आ गया भाई। ओ भाई काट ना जाए तुम्हें। अरे दो आ गए। रियान देख के बेटा गिर मत जाना। गाइस अब हम मॉल रोड की सड़कों पे घूम रहे हैं, 6 बज चुके हैं, फॉग बहुत ज्यादा है। आप देखिए लेक भी थोड़ा धुंधला दिख रहा है, बहुत बड़ी लेक है ये नैनीताल की। आप लोग आए ही होंगे मोस्टली लोग यहाँ पे, बट फॉग बहुत ज्यादा है। रश इस बार नैनीताल में कम है, अच्छा लग रहा है क्योंकि मोहित को स्पेशली रश बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एकांत में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम जा रहे हैं हमारी पार्किंग में, वहाँ पे आई थिंक कोई मोहित का फ्रेंड है, तो मोहित उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, वो भी बाई चांस नैनीताल आया होगा। तो चलते हैं, रियान को देखिए, रियान आगे भाग रहा है उधर। कैसे लग रहा है, ठंड लग रही है? ठंड लग रही है बिल्कुल। कितनी? बहुत। कैपी पहन लो फिर, ठंड लग रही है तो। तो वेदर हो गया काफ़ी ज़्यादा ख़राब एंड सारे क्लाउड्स आ गए, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने ही वाली है। तो जल्दी से हम डिनर करके हम जा रहे हैं होटल, कोई और रास्ता अब हम कवर नहीं कर पाएंगे आज, कल सुबह हम मिलते हैं फिर से। तो फाइनली गाइज आज का हमारा दिन ख़त्म होता है, डिनर हमने कर लिया है, अब हम जा रहे हैं अपने होटल। होटल ख़त्म नहीं हुआ अभी, हमने बॉक्सिंग तो करी नहीं है। अनबॉक्सिंग, हाँ जी, रियान ने जो टॉय लिया उसकी अनबॉक्सिंग दिखानी है रियान को। लेकिन हमने तो उसको खोल दिया क्योंकि मम्मी के तो फोन में चार्जिंग ही नहीं थी। अच्छा, अब मम्मा अपना फोन चार्ज कर रही है एंड व्लॉग बना रही है। और अभी गन तो देख लो, गन ये देखो, गन ये आप। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड हम अब होटल पहुंचने ही वाले हैं, रैन वहां पे जाके दे रहा है पोज, देखिए। जय हिंद।